और एक लड़कियों का शूज ना। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है लेकिन आज कोई काम नहीं है क्योंकि इधर आज क्या है और एक इट्स अ बैंक हॉलीडे। तो हम लोग अभी इधर ही कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। रश्टन लेक करके एक प्लेस है, इधर से 45 मिनट जर्नी है। तो पता नहीं, देखते हैं उधर क्या है। कुछ लेक तो है, रश्टन लेक नेम है तो लेक तो होना ही है, एंड कुछ शॉपिंग वॉपिंग हो सकता है। सो वी आर गोइंग देयर टू स्पेंड सम टाइम। ऑरिक, आर यू एक्साइटेड? नॉट रियली, आई वांटेड टू स्टे होम। इसको ना हमेशा घर में ही रहना है, बाहर आना ही नहीं है। Or at least go to the park. Park है उधर। तो हम सब रेडी है अभी रश्टन लेक जाने के लिए, तो चलते हैं। कार में ना बैठ के बोर हो रहा है, सोचा कि आपको बाहर का थोड़ा नजारा दिखा दूं। उसके पहले मैंने बोला ना आपको कि आज बैंक हॉलीडे है तो छुट्टी है, काम नहीं है। तो बैंक हॉलीडे बोला तो गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो या मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक हॉलीडेज मंडेज रहते हैं, तो हम लोग लॉन्ग वीकेंड मनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बाहर का नजारा दिखाती हूँ। इस तरफ में दिखा देती हूँ, देखते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है पीछे। ये देखिए मेरा बेटा जैसे ही कार में बैठा वो सोया हो रहा है। मेरी एक छोटी सी नींद भी हो गई और हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम अभी हमें ऑन द जर्नी में फर्स्ट टाइम ट्रैफिक मिला है। देखिए इधर का ट्रैफिक कैसे होता है, स्लो मूविंग है। तो और एक 10 मिनट में हमारा डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे जो है रश्टन लेक। इधर लिखा हुआ है कि यू नो क्या सब शॉप्स है इधर, कोस्ता कॉफी। पता नहीं पार्किंग मिलेगा कि नहीं, फुल लग रहा है। आई होपफुली जल्दी मिल जाएगा हमें पार्किंग। हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, अभी भी हमें पार्किंग नहीं मिला है। पता नहीं कब मिलेगा, कब पार्क करेंगे। भूख लगी है जोर से ना, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग। और एक से हाय, आर यू हंग्री? उसे भी भूख लगी है। हमने सुबह भी ठीक तरह से कुछ खाया नहीं है, जस्ट पानी पी के निकले थे हम लोग। तो अभी जोर की भूख लगी है, जल्दी से कोई रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। बस पार्किंग तो मिले, चक्कर के ऊपर चक्कर काट रहे हैं लेकिन पार्किंग नहीं मिल रहा है। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई। फाइनली मुझे लगता है हम लोगों ने मोर देन 5 मिनट स्पेंड किया पार्किंग ढूंढने के लिए। तो वी आर देयर, गाड़ी से उतर गए हैं हम लोग। एंड अभी हम लोग फर्स्ट काम करेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे। इधर इतने सारे ऑप्शन है लेकिन पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट चूज करें। तो देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम लोग। हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट जाए। इधर बहुत सारे हैं, नैंडोस है, इधर ची बोल के एक रेस्टोरेंट है। तो फाइनली हमने फाइनल किया कि चलो नैंडोस चलते हैं। तो ये देखिए नैंडोस। फाइनली हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर एंड बैठ गए हैं। मुझे कोई मेनू देगा क्या? ये है उनका मेनू, तो मैं देखती हूँ कि क्या अच्छा है इधर और मैं क्या खाना चाहती हूँ। और जैसे ही खाना आएगा मैं आपको खाने का भी वीडियो दिखाऊंगी। इधर का मेनू कैसा होता है, नैंडोस रेस्टोरेंट। स्टार्टर्स, सलाड्स भी मिलते हैं, प्लेटर्स है इधर। देखिए प्राइस, पेरी पेरी चिकन विच इज एवरी वन फेवरेट क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होता है। बर्गर्स भी मिलते हैं इधर, रैप्स भी मिलते हैं। फाइनली हमने मेनू डिसाइड किया है और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है आप सबको हमारा मेनू बोलने के लिए। ओवर टू यू ओरिक। Let's see. Chicken wings with 2 regular sides, then a sharing boneless platter. We also ordered these sides: peri peri salted chips, corn on the cob, and garlic bread. Yeah, I hope it's good. That's all I can say. Oh.
ये ऐसे ही मस्ती करता रहता है, मस्ती चोर मस्ती खोर। हम फूड के लिए वेट कर रहे हैं, हमारा टेबल नंबर है 16 एंड ये देखिए मेरा बेटा कितना उदास है कि खाना आया नहीं उसका। ओरिक आर यू सैड? आर यू हैप्पी नाउ ओरिक आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर? नो स्टिल सैड? हाँ, बच्चे लोगों को ना एक बार रेस्टोरेंट गया तो खाना जल्दी आना है, बच्चों के लिए करके नहीं, मुझे भी, मैं भी बहुत हंग्री हूँ। हाँ, कब आएगा ये खाना, कब आएगा? ये तो सो ही गया खाने को वेट करके करके। अरे पता नहीं इतना देर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आज बैंक हॉलिडे है एंड रेस्टोरेंट पूरा रश है, तो शायद इसके लिए खाना लेके आने में बहुत देरी हो रही है। अरे गेट अप, ये देखिए हमारा खाना फाइनली आ गया। मेरा बेटा कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो खाना स्टार्ट कर दिया एंड ये हमारा प्लेटर है। पेट पूजा तो हो गई तो सोचा कि आपको बाहर का नजारा भी दिखा दूं। चलिए हम अभी लेक की तरफ जा रहे हैं। इधर से लेक दिख रहा है, बहुत ही नजदीक है। रस्टन लेक्स। सो इधर बोटिंग भी होता है, ये देखिए किस तरह बोटिंग करते हैं लोग। तो बोटिंग का सेंटर है उधर, थोड़ा दूर है। इधर एक फ्लावर आर्क बना हुआ था जहां हमने थोड़ा फोटोज ले लिए। इधर ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ बोट राइडिंग दिख रहा है एंड इधर देखिए रेस्टोरेंट से। हमने इधर बोटिंग का प्राइस चेक किया तो अराउंड 25 pounds थे, तो हमें लगा थोड़ा एक्सपेंसिव है, कोल्ड भी था वेदर, तो हमें लगा कि हम बोटिंग नहीं करेंगे, तो सोचा कि ये जगह का यू नो एक्सप्लोर और करते हैं। हमने और थोड़े फोटो सेशंस किए। इधर देखिए चल रही हूँ, पता नहीं चल रहा है कि किस शॉप के अंदर घुसूं, क्योंकि इतने सारे शॉप्स है इधर, पता नहीं चल रहा है कि सब कंफ्यूज हो रहा है, तो हम ऐसे ही चले जा रहे हैं। मैं इधर आपको बाहर से ही थोड़ा शॉप्स दिखाती हूँ, ये देखिए और भी बहुत सारे। बहुत सारे शॉप्स तो है लेकिन हमें शॉपिंग का मूड बिल्कुल नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, बहुत कोल्ड भी है एंड मोर ओवर मेरे मोबाइल में ना बैटरी भी ख़त्म होके आ रही है। पता नहीं, चार्ज तो किया था लेकिन यू नो या ये वीडियोस लेती रहती हूँ तो बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ा देर वॉक करें एंड देन घर जाए। हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा शॉप को जाए, देन फाइनली हमें मिला एक शॉप, तो हम इस दुकान के अंदर जा रहे हैं। अच्छे से सजाया हुआ है ये कुछ अजीब से भी ये लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। बी हैप्पी एंड स्माइल। हमें कुछ खास कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, बटरफ्लाई देखिए प्राइस है इनका अराउंड 22 pounds, एक्सपेंसिव। तो इधर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमें, तो मैं इस शॉप से बाहर जा रही हूँ। और एक शॉप दिखी हमें स्केचेस, तो देखते हैं इस शॉप के अंदर कुछ पसंद आता है, नहीं तो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। सेल लगी हुई है इधर, क्लियरेंस भी है, तो फर्स्ट चलते हैं क्लियरेंस सेक्शन पे। सोच रही हूँ और एक के लिए कुछ बाय करूँ, पता नहीं इतने सारे ऑप्शंस है तो। और एक कम या ये सब बहुत छोटे साइज के हैं। और इसका सेक्शन ये देखिए गर्ल्स के लिए इधर बहुत ही अच्छे शूज हैं। मैं ये सोचती हूँ कि यू नो हमेशा गर्ल्स के लिए अच्छे यू नो चीजें मिल जाती हैं, ये बॉयज के लिए हमेशा बोरिंग रहता है। मैं और एक के लिए शूज ढूंढ रही थी लेकिन लड़कियों का शूज बहुत अच्छा लग रहा है इधर। ये देखिए इसका प्राइस आपको दिखाऊंगी, ये देखिए 55 pounds। ये भी अच्छे हैं शूज, गर्ल्स शूज है, तो इसका प्राइस है 55 pounds। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही खूबसूरत। एंड देन इधर आइए, ये देखिए ये कुछ अच्छे से हैं एंड इसका प्राइस है, इसमें भी लाइट आ रहे हैं जैसे आप ड्रॉप करते हो और इसमें लाइटिंग आ जाती है, इसका भी प्राइस है 55 pounds। बच्चे को शूज देखने के लिए आई लेकिन
मेरे पति को ये शूज पसंद आए, देखिए 70 पाउंड का 55 पाउंड में है ऑफर, या इजी वेयर है, तो बोल रहा है उसको पसंद आया। मेन शूज ऑप्शंस, और एक को तो शूज मिले नहीं, तो हम नवीन को ये शूज लेके ये दुकान से बाहर आ गए क्योंकि हम बहुत ही थक गए थे। मैं ये व्लॉग इधर ही एंड कर रही हूँ। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। थैंक यू ऑल, बाय।